कड़ी देख के आप जान ही चुके होंगे फ्रेंड्स कि आज हम क्या रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं पंजाब के स्पेशल कड़ी पकोड़े। उसके लिए हमें कड़ी बनानी है फ्रेंड्स। दही खट्टा हो जाए तो हम उसकी कड़ी ही बनाते हैं, पर पकोड़े इसमें डाल के कैसे लगते हैं वो आज हम सीखेंगे। मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें हम बेसन का आटा डालेंगे फ्रेंड्स, वो भी हाफ कप। आप अगर ज़्यादा पकौड़े बनाना चाहते हो तो आप उसकी तरह से ले सकते हो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे फ्रेंड्स, इसीलिए उसमें हमें उतना ही प्याज ऐड करना है जितना हमने बेसन का आटा ऐड किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसमें मैंने ऐसी चिलीज तोड़ के डाली है, आप अगर पेस्ट डालना चाहते हो तब भी डाल सकते हो। इसमें जाएंगे थोड़े से करी लीव, उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। ये तो बहुत टेस्ट बढ़ाने का काम करता है फ्रेंड्स, ये हो जाए तो क्या बात है। उसमें अब हम उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। बाद में 1/4 टीस्पून हमें अजवाइन डालना है फ्रेंड्स। अजवाइन ऑप्शनल है, पर डालोगे तो बहुत टेस्ट आती है। उसको थोड़ा हाथों से क्रश करके उसमें ऐड करना है, क्योंकि पकौड़ों में उसकी टेस्ट बहुत अच्छे से आती है। बारिश का मौसम चालू है, रोज़ रोज़ क्या बनाएं फ्रेंड्स, तो ये कड़ी पकौड़े आप एक बार ट्राई कीजिए, चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अभी इसमें हम पानी की मात्रा परफेक्ट नहीं बता सकते, जैसे हम पकौड़ों का बैटर हमेशा बनाते हैं घर में, वैसे ही हमें ये पकौड़ों का बैटर बनाना है। वैसे भी मैंने हाफ कप पानी ले लिया है, वही थोड़ा थोड़ा डाल के हम ये बैटर बना लेंगे फ्रेंड्स। आप हमेशा ही पकौड़े घर में बनाते हो तो मुझे पता है आपको परफेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी हम आटा मार्केट से लाते हैं, कभी हम घर का चने की दाल भूनकर आटा बनाते हैं, तो आटे के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि पानी कितना यूज़ हो जाए। अभी हाफ कप में भी थोड़ा सा पानी रह गया था फ्रेंड्स, ये आटे को हम साइड में रख देंगे फ्रेंड्स। पकौड़ों को अच्छे से क्रिस्पी और टेक्सचर अच्छा आने के लिए इसमें हमें 2 से 3 टेबलस्पून गरम ऑयल डालना है फ्रेंड्स, जिससे ही हमें इसमें ना बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत पड़े। अब हमें इसे अच्छे तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। अब हम साइड में कड़ी की तैयारी कर लेंगे तो उसमें मैंने 1 कप भर के बटर मिल्क लिया है। अगर आपके पास बटर मिल्क अवेलेबल नहीं हो तो आप 2 से 3 टीस्पून दही लेके उसमें पानी डाल के बटर मिल्क रेडी कर सकते हो। अभी ये अब हमें पंजाबी स्टाइल बनानी है फ्रेंड, तो इसमें हम फिर से बेसन का आटा यूज़ करेंगे। जनरली बटर मिल्क में कड़ी बनाने के लिए उसमें बेसन का आटा ही यूज़ किया जाता है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि इसमें कोई भी बेसन के आटे के लम्स ना गिरे। इस तरह हमें इसे मिक्स करना है। इसी में हमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिक्स कर देनी है। अगर आप बघार में डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, पर इसमें डालने से अच्छी तरह से वो मिक्स हो पाएगी। अभी तेल गर्म हो गया है कढ़ाई में, हमने उसमें पकोड़े फ्राई कर लेने हैं फ्रेंड्स। पकोड़े आप चम्मच से भी डाल सकते हो या फिर हाथ से भी डाल सकते हो, कन्वीनियंट दोनों साइड है। अगर आपको हाथ से डालने में अच्छा लगता है तो ये डालिए। मैंने दोनों तरीके से आपको पकोड़े डालना बता दिया है फ्रेंड्स। मुझे तो अच्छी तरह से हाथ से ही डालना अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो राउंड राउंड शेप बनता है वो हाथ से ही अच्छे से बन पाता है। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकोड़ों को फ्राई करना है। ज़्यादा गरम ऑयल में अगर आप पकोड़े डालते हो फ्रेंड्स तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाते हैं, तो हमें पकोड़े ज़्यादा ऑयली नहीं बनाने हैं, इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पकोड़े तल लेने हैं। हमारी एक बैच पूरी हो चुकी है तल के, अभी हम सेकेंड बैच में भी वैसे ही पकोड़े तल लेंगे। देखो ये हमने हाथ से डाले हैं फ्रेंड्स, अच्छे तरह से गोल 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 बनते जा रहे हैं, फूले फूले से पकोड़े। बारिश के टाइम पे आप आराम से खा सकते हो, मुझे तो ऐसे ही पकोड़े खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आप वो बेल आइकॉन पर क्लिक करोगे तो मेरे जो नए वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे फ्रेंड्स, और आपको नई नई रेसिपी देखने को मिल सकती है। वर्ड जैसे ही पकोड़े तेल में जाए वैसे ही वो अंदर से खुद से ही घूम रहे हैं, ना इसमें हमने बेकिंग सोडा फ्रेंड्स ऐड किया है,
ना कि खाने का सोडा। ब्राउन होने के बाद हमें ये एक टिश्यू पेपर पे हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हमें एक भारी तले की कढ़ाई लेनी है, उसमें हमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है फ्रेंड्स। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें हमें जीरा चटकने के लिए डाल देना है और कुछ सरसों के दाने डालेंगे, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक और धनिया की पेस्ट बनाई है वो भी इसमें हमने ऐड कर दी है फ्रेंड्स, और जो हमने ये जो बटर मिल्क बनवाया था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। वो हमारी कड़ी जो है वो उबलने वाली है, उसी के टाइम में हमने छोटे से फ्राइंग पैन में तेल गरम कर लिया है, उसमें रेड चिली डाल दी है और रेड चिली पाउडर भी डाली है, इसे हम बघार देना कहते हैं फ्रेंड्स। इससे ही कड़ी पकोड़े में बहुत अच्छी सी टेस्ट आ जाती है। उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, वो मेरा रिकॉर्ड होना बाकी रह गया था, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स उसके लिए, पर आप इसमें एज़ पर टेस्ट नमक डाल सकते हो। अभी जैसे ही कढ़ी में उबाल आ जाए उसी में हमें ये पकोड़े डाल देने हैं फ्रेंड्स, जिससे कि कढ़ी में पकोड़े सोख हो जाए और पकोड़ा का टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाए। अगर आप सीधे ही कढ़ी बाउल में लेके आप पकोड़े ऊपर से डाल के खाना पसंद करते हो तो आप वैसे भी खा सकते हो। ऊपर से हमने धनिया पत्ता डाल दिया है फ्रेंड्स, और हमारी ये गर्मा गर्म चावल के साथ कढ़ी पकोड़े रेडी हैं। बरसात के मौसम में अगर आपने कढ़ी पकोड़े और चावल खा लिए तो आपकी बरसात का मौसम दुगना हो जाएगा फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी ऐसे ही देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाद में मिलते हैं।